बात करेंगे टोंक की कड़ाके की सर्दी में सड़क पर ग्रामीण अमरीश मीणा हत्याकांड के खुलासे सहित अन्य मांगों को लेकर धरना। आपको बता दें कि कड़ाके की सर्दी में भी मेहंदवास थाने के बाहर धरना जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मृतक के परिजन और ग्रामीणों का धरना, चार मांगों को लेकर गतिरोध जारी है। हत्याकांड का खुलासा, मृतक एक परिजन को संविदा नौकरी, आर्थिक सहायता, डेयरी भूत के आवंटन की मांग उठाई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही, एक तरफ कड़ाके की सर्दी है लेकिन इस कड़ाके की सर्दी में भी सड़कों पर है ये ग्रामीण अमरीश मीणा हत्याकांड के खुलासे सहित अन्य मांगों को लेकर धरना। आपको बता दें कि मेहंदवास थाने के बाहर धरना जारी है, मृतक के परिजन और ग्रामीणों का धरना जारी है। चार मांगे यहाँ पर मानी जा रही है और देखिए चार मांगों को लेकर गतिरोध बना हुआ है और वो चार मांगे ये है कि हत्याकांड का खुलासा हो, मृतक के परिजन को संविदा नौकरी मिले, आर्थिक सहायता दी जाए, डेयरी बूथ के आवंटन की भी मांग यहां पर उठाई जा रही है। एक तरफ कड़ाके की सर्दी लेकिन इस कड़ाके की सर्दी में भी सड़कों पर है ग्रामीण अमरीश मीणा हत्याकांड के खुलासे की मांग की जा रही है और साथ ही चार मांगे और की जा रही है। करते हैं विजुअल ऑफ द डे जिसमें आपको दिखाते हैं कुंभलगढ़ का किला। राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने 13 मई 1459 में इसका निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा स्थापत्य कला की बेचूट जानकार और किलों के निर्माण में पारंगत थी। उनकी रियासत में कुल 82 किले थे। इसमें से राणा कुंभा ने खुद 32 किलों के निर्माण का नक्शा तैयार किया था। इन किलों में महाराणा कुंभा को सबसे ज्यादा कुंभलगढ़ किला बहुत प्रिय था। इस किले पर विजय हासिल करना नामुमकिन था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है जो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। किले की दीवार करीब 36 किलोमीटर लंबी है। कुंभलगढ़ का युद्ध 1583 में हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ किले को मुगलों से वापस हासिल कर लिया था। इस दुर्ग के अंदर 307 से ज्यादा मंदिर बनाए गए हैं जिसमें से 300 प्राचीन जैन मंदिर, 7 हिंदू मंदिर है। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है जिसे गढ़रगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये किला यूनेस्को की सूची में भी शामिल है।